आज की हमारी कहानी एक ताकतवर तेंदुए और कमजोर बगुले की है। झुलमुल जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ रहता था और उसी जंगल में बने तालाब में कुछ बगुले रहते थे। तेंदुआ जब भी तालाब में पानी पीने आता, किसी न किसी बगुले के बच्चे को आसपास खेलते देख अपना शिकार बना लेता। एक दिन सारे बगुलों ने मिलकर मीटिंग बुलाई। दोस्तों, ये तो तेंदुए की हमारे साथ ज्यादती है। उसके शिकार करने की वजह से हमारे बच्चे काफी डर गए हैं। हाँ, जब वो तालाब पर पानी पीने आता है, हम उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करते, तो वो हमें क्यों डिस्टर्ब करता है? हाँ, हम तो उसके जंगल में जाकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर वो हमारे तालाब पर आकर हमें क्यों तकलीफ देता है? दोस्तों, हमारी मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें भी उसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर हम तो बहुत कमजोर हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं? कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। जो शरीर से मजबूत होता है, उसकी कोई और कमजोरी होती है। और तेंदुए की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपना शिकार करके उसे जमीन पर बहुत कम खाता है। वो उसे लाकर पेड़ पर छुपा देता है और फिर आराम से खाता है, क्योंकि बाकी जानवर तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। तो लेकिन हम तो पेड़ पर उड़ते हुए पहुंच सकते हैं। अब हमें तेंदुए पर नजर रखनी है। जब भी वो शिकार करके पेड़ पर रखे, हमें शिकार को नीचे फेंक देना। नीचे लकड़बग्घे उसकी पार्टी मना लेंगे और तेंदुआ जब आराम से खाने को लौटेगा तो भूखा रह जाएगा। और उसके बाद जैसे सारे बगुलों ने कमर कस ली, उन्होंने लकड़ पक्कों से बात की कि जब भी हम चिल्लाएं, समझ लेना तुम लोगों के लिए खाना मौजूद है, आ जाना। फिर क्या था, जब भी तेंदुआ मोटा शिकार करके लाकर पेड़ पर छिपाता, उसके जाते ही बगुले मिलकर चिल्लाते, ताक में बैठे सारे लकड़बग्घे आ जाते और बगुले पेड़ पर से तेंदुए का शिकार गिरा देते। लकड़बग्घों की बैठे बिठाए पार्टी हो जाती। तेंदुआ जब वापस लौटता और अपना शिकार गायब पाता तो टेंशन में आ जाता। अरे, मेरा रखा हुआ शिकार नीचे कैसे गिर गया? लगता है मैंने सही से नहीं रखा होगा। अब की बार और ऊपर ठीक से रखूंगा। और दूसरे दिन तेंदुआ फिर शिकार करके लाया। इस बार उसने अपना शिकार बहुत ही ऊंचाई पर पेड़ पर रखा, पर उसके जाते ही सेब बगुले चिल्लाए, लकड़बग्घे आए, बगुलों ने शिकार गिराया और लकड़बग्घों की पार्टी हो गई। तेंदुआ जब वापस आया तो अपना शिकार गायब पाकर और भी टेंशन में आ गया। अरे, मेरा शिकार इतनी हिफाजत से रखा था, फिर भी कैसे गिर गया? ओफो, 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, लगता है आज भी तालाब से सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। और वो धीरे धीरे भूखा प्यासा निढाल सा तालाब किनारे पहुंचता है। आज तो बगुला या बगुले का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। अरे, भूख से पेट में मरोड़ उठ रही है। अब पता चलेगा बच्चों को हमसे पंगा लेने का नतीजा। हाँ, 4 दिनों में ही सारी ताकत निचोड़ जाएगी। और सचमुच ये सिलसिला जब 4-6 बार और चला तो तेंदुए में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो 4 कदम भी चल सके। शिकार करना तो दूर की बात थी, वो अपने शिकार को खाते हुए लकड़बग्घे को देख देख कर सोच रहा था। कहीं लकड़बग्घे को भी पेड़ पर चढ़ना नहीं आ गया? अगर नहीं तो मेरा शिकार उन तक पहुँचता कैसे है? ठहरो, अगर भागे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम मुझे ये बता दो मेरे शिकार पर तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे कब्जा कर लेते हो। आप जब भी शिकार छुपा कर जाते हो, बगुले आकर उसे गिरा देते हैं। सुनते ही तेंदुए को गुस्सा आ गया और उसने तालाब पर जाकर खूब दहाड़ मचाई, बगुलों को चेतावनी दी। ए बगुलो, तुम लोग मेरा शिकार पेड़ पर से गिरा देते हो,
अगर आइंदा से गिराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिम्मत है तो सामने आओ। मगर उसकी धमकी का किसी भी बगुले पर कोई असर नहीं होता है। उनका तेंदुआ का शिकार गिराना वैसे ही चालू रहता है। आखिर 15 दिन गुजर जाने के बाद जब तेंदुआ एकदम भूखा मरने की हालत में पहुंच गया तो उसने शेर राजा के दरबार में शिकायत लगाई। शेर राजा ने बगुले को भी बुलावा भेजा। महाराज, मैं जब भी शिकार करके लाकर पेड़ पर रखता हूँ, ये बगुले आकर मेरा शिकार नीचे गिरा देते हैं। सारे लकड़बग्घे उसकी पार्टी मनाते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। पिछले 15 दिनों से मैं पानी पीकर भूखा ही दिन गुजार रहा हूँ। क्यों भाई बगुले, ये कौन सा तरीका है भूखे के मुंह से खाना छीन लेने का? इनसे पूछिए इनका कौन सा तरीका है तालाब के किनारे खेलते हमारे बच्चों को हमसे छीन लेने का। मैं समझा नहीं। अगर ये जंगल में शिकार करते हैं और खाकर पानी पीने तालाब पर आते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि तालाब सबके लिए है। पर वहाँ खेल रहे हमारे बच्चों का ये शिकार कर लेते हैं, वो क्यों? शिकार करना हमारी आदत है। तो उसके बाद भूखे रहने की भी अपनी आदत बना लो। ये जंग नहीं रुकेगी, तुम्हारा शिकार तुम्हें कभी खाने नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है मिस्टर तेंदुआ, महाराज के दरबार में वार? हाँ, ये तो शेर राजा के दरबार का सरासर अपमान है। क्षमा करें महाराज। समझ सकते हैं, भूखे पेट ऐसी गलती हो जाती है। सियार सेनापति, हमें इस समस्या का समाधान बताएं। महाराज, ये समस्या तभी सुलझ सकती है जब तेंदुए और बगुले में दोस्ती हो जाए। वरना तेंदुआ भले ही ताकतवर है पर बगुलों से ये कभी जीत नहीं सकते। एक ही झपट्टे में इसे ठिकाने लगा सकता हूँ। उसके बाद क्या? बाकी बगुले फिर तो तुम्हें कभी भी अपना शिकार खाने नहीं देंगे। देखो तेंदुए, समझदारी इसी में है कि तुम बगुलों से दोस्ती कर लो। तुम भले ही ताकतवर हो पर इस सिचुएशन में तुम बगुलों के सामने बेहद कमजोर हो, और जब हम कमजोर हो जाएं तो हमें सरेंडर ही कर देना चाहिए। बोलो क्या बोलते हो? कर देना चाहिए। बोलो क्या बोलते हो सेनापति सियार? आप बिल्कुल सही हैं महाराज, आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो और तुम्हारी दोस्ती जग जाहिर हो जाए इसके लिए तेंदुए तुम बगुलों को उनके मन पसंद कीड़ों की पार्टी दो और बगुले तुम तेंदुए के मन पसंद मीट की पार्टी दो। बोलो मंजूर? सो डन। पहले तेंदुआ बगुलों को कीड़ों की पार्टी देगा। और वादे के मुताबिक तेंदुए ने बगुलों को अपनी गुफा में बुलाया और उन्हें कीड़ों की पार्टी दी। मगर इतने दिनों से वो भूखा था, इसलिए गुस्से में उसने बगुलों से बदला लिया। उसने उन्हें एक बड़ी सी थाली में पानी भरकर उसमें कीड़े परोसे। बड़ी सी पतली थाली में किसी भी बगुले की चोंच ही नहीं डूबी, और जब तक चोंच नहीं डूबती है बगुले खा नहीं पाते। लिहाजा सारे बगुले सामने कीड़े होने के बाद भी अपना पेट नहीं भर सके। वे समझ गए तेंदुए ने उनसे चालाकी की। वे चुपचाप गुफा से बाहर आ गए। हो गई पार्टी, अब अगली पार्टी तुम्हारी तरफ से तेंदुए को। और उसी दिन शाम को बगुलों ने तेंदुए को पार्टी दी। इतने दिनों से भूखा तेंदुआ ललचाई भरी इच्छा से उनके यहाँ पार्टी मनाने पहुंचा तो ठगा सा रह गया। बगुलों ने एक लोटे में उसे मीट की पार्टी दी थी। लोटे का मुंह इतना पतला था कि काफी कोशिश करने के बाद भी तेंदुए का ना तो मुंह उसमें घुसा और ना ही उसका पंजा उसमें घुसा कि वो खा सके।
लोटे के चारों तरफ इतना कीचड़ था कि अगर वो लोटा उलट देता तो उसका मीट कीचड़ में गिरता और वो खाने के लायक नहीं रहता। भूख और गुस्से से वो दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनते ही शेर, हाथी और दौड़े से उनके पास आए। क्या हुआ? महाराज देखो, इन्होंने मुझे लोटे में खाना परोसा है, मैं कैसे खाऊं? ये गलत बात नहीं महाराज, ये तो टिट फॉर टैट है, जैसे खुद तैसा। इन्होंने हमें एक बड़ी सी थाली में एकदम कम पानी भर के कीड़े परोसे थे। हमारी चोंच नहीं डूबी तो हम खा नहीं पाए, तो हमने भी इन्हें लोटे में बाटी दी। अब ये भी खाकर दिखाए। मिस्टर तेंदुआ, मैंने कहा था तुम सरेंडर कर दो, पर तुम अपना घमंड दिखाने से बाज नहीं आए। अगर इस दावत के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो अपने भूखों मरने के तुम खुद जिम्मेदार होगे। गलती हो गई महाराज, इस दावत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं बगुलों के सामने अपनी हार कबूल करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ, मैं बगुलों या बगुलों के बच्चों को कभी नहीं तंग करूँगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मोरल, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि बड़े से बड़े ताकतवर की भी कोई ना कोई कमजोरी, और कमजोर जीव उसी पर